नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जनालुद्दीन अब्दुल कलाम था। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने भारत को पहली मिसाइल दी थी। इस खास मौके पर आज देश ही नहीं दुनिया भर के लोग इन्हें याद कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने 2002 से 2007 के बीच भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया। एपीजे अब्दुल कलाम को देश के सर्वोच्च रत्न भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आज आपको देश के 11वें राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बड़ी बातें बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। अब्दुल कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक नाव चालक थे जो हिंदू तीर्थयात्रियों को लाने और ले जाने का काम करते थे। उनकी माँ एक गृहिणी थी। जब अब्दुल कलाम 10 साल के थे तो वो तमिलनाडु में अपने गृह नगर रामेश्वरम में अखबार बेचा करते थे। डॉक्टर कलाम धर्म से मुसलमान थे लेकिन वो दिल से एक धर्मनिरपेक्षवादी थे। उनका मानना था कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम ने देश विदेश के 48 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। अब्दुल कलाम 1963 में नासा गए थे जिसके बाद उन्होंने PSLV और SLV 3rd प्रोजेक्ट डेवलप किए थे। ये दोनों सैटेलाइट सफल साबित हुए थे। एपीजे अब्दुल कलाम 1992 से 1999 यानी 7 सालों तक PM के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सचिव रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका निभाई थी। वैज्ञानिकों की पूरी टीम को उन्होंने लीड किया था। इसके अलावा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम से भी वो जुड़े रहे थे। भारत की मिसाइल परियोजनाओं के विकास में कलाम के योगदान के लिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन का श्रेय उन्हें ही जाता है। 2002 से 2007 तक एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। अब्दुल कलाम भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कुंवारे थे और शाकाहारी थे। एपीजे अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में और भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1997 में सम्मानित किया जा चुका है। अब्दुल कलाम भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पहली बार अंग्रेजी में छपी थी। बाद में फ्रेंच और चीनी समेत 13 भाषाओं में इस किताब का अनुवाद किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन और उनके किए कामों पर 6 आत्मकथाएं हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।